अगर आपके पास इस टाइप का क्यूब आता है जिसकी हर वायर की रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें निकालनी है, डायगोनली ए और एफ में निकालनी है, तो फॉर्मूला डायग्राम ड्रॉ करो इसका, ए और एफ के बीच में एक सिंपल सा क्यूब बना लो फॉर्मूला रजिस्टर में, ए और एफ के बीच में सीधा आंसर आएगा 5/6 R। तो कैपिटल आर जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, स्मॉल आर जो है वो क्यूब की हर वायर की रेजिस्टेंस है, स्टैंडर्ड आंसर 5/6 R। और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुकलेट में, एनसीईआरटी की किताब में भी सॉल्व है यही क्वेश्चन एक, तो जिसका आंसर 5/6 R है। तो आज के बाद, हाँ आज के बाद अगर डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो सीधा आंसर मार्क करना है 5/6 R। सब्जेक्टिव में आता नहीं, ऑब्जेक्टिव में आए तो 5/6 R ही आएगा। तुम चाहे एक टेक्निक से कर लो, मेरी तरह तीन टेक्निक सीख लो, आंसर तो फिर 5/6 R आएगा। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा, अगर क्यूब का सेम क्वेश्चन आता है और मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें पूछता हूं, ए और बी में, तो अगला लिखो फॉर्मूला बुकलेट के अंदर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के अंदर अगर निकालनी है साइड में, राइट, तो आंसर आएगा 7/12 R, 7/12 R। तो अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें निकालनी है, ए और बी में, तो आंसर आएगा 7/12 R। ठीक, तो ये भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन आता है ए और सी के बीच में, ए और सी ये स्क्वायर के, ये यहां पे ए और सी जो नीचे का बेस है उसका, ए और सी के बीच में, तो आपका आंसर आएगा 3R/4, 3R/4। तीसरा रिजल्ट है, तीन हो गए। तो अगर ये क्वेश्चन क्यूब के स्केल्टन का आएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, क्यूब बना के देगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मार्क करनी है, तो ये तीन फॉर्मूले आप नोट कर रहे हैं पहले, तो कम से कम आपका क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएगा। अब दूसरा, अगर क्वेश्चन कोई और आ गया तो, अब मन में आता है ना, अगर क्वेश्चन कोई और आ गया तो उसने रेजिस्टेंस अनइक्वल ले ली तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट है, तो फिर और सीबीएसई तो देगा नहीं, देगा कौन, ये तो कंपटीशन वाले देंगे, आज तक आया नहीं वो बात अलग है, क्यूब वाला क्वेश्चन कंपटीशन, उनको पता है कि इतना लंबा जाल बिछा के कौन कैसे करेगा, फिर भी अगर आ जाता है, अगर स्टैंडर्ड आ गया फिर तो हो ही जाएगा, अगर नहीं आया तो आपको पोटेंशियल की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दे रहा हूं, ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो इसके नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसकी पूरी शीट की एक्सप्लेनेशन है, मेरी तरफ से ऑप्शनल है, किरचॉफ लॉ मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, शॉर्टकट्स, तीनों के तीनों आप उस 1 घंटे की वीडियो में अपनी मर्जी से स्टडी कर सकते हैं। मेरी तरफ से अगर ये क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड आएगा, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, किसी को अगर ये लगता है कि नहीं ये टेक्निक मुझे सीखनी चाहिए, वैसे जो कोर कंपटीशन नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये टेक्निक सीख लेनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो क्यूब के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ना, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि अगर देखो क्यूब का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर कोई छोटा क्वेश्चन आता है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो उनको ये टेक्निक पता होगी कि अगर किरचॉफ लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि किरचॉफ लॉ कोई लगाना नहीं चाहता अपने शौक से, किरचॉफ लॉ लगाने में बहुत टाइम खराब होता है, बिना किरचॉफ लॉ के पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे लगा लगा के हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कैसे करना है, उनको मेथड नंबर 2 ये मेथड तो सीखना ही चाहिए। तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा आज इसकी, या कल करूंगा सॉरी, तो उस नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के बाद जो अपलोड होगी तो वो ऑप्शनल लिख दूंगा उसके ऊपर, किसी को कॉन्सेप्ट सीखना है तो जरूर सीख ले, सारे मेथड सीख ले, और किसी को नहीं सीखना तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आंसर तो मार्क कर ही सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर है?